हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। अली गॉट 810 मार्क्स इन मैट्रिक एग्जाम आउट ऑफ 105 मार्क्स, व्हाट इज़ द परसेंटेज। वो कह रहे हैं कि अली ने मैट्रिक एग्जाम्स में 810 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं आउट ऑफ 105, ठीक है, यानी 1050 में से उसने 810 मार्क्स ऑब्टेन किए, तो आपने इसकी परसेंटेज फाइंड करनी है। परसेंटेज फाइंड करने के लिए आप क्या करते हैं, फॉर्मूला आपका होता है ऑब्टेन मार्क्स ओवर टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, ये आपका होगा फॉर्मूला। हाँ जी, तो ऑब्टेन मार्क्स आपके क्या हैं 810 और टोटल मार्क्स क्या हैं आपके 1050 मल्टीप्लाई बाय 100, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट देखिए आप, 00 से कैंसिल हो गया आपका, ठीक है, फिर 81 को आप मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, 8100 डिवाइडेड बाय 105, अंडरस्टैंड। अब आप इनको आपस में डिवाइड कर लें, रफ वर्क में 8100105, ठीक है, 105 को अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करें तो आपका आता है 735, ठीक है, 10 माइनस 5 इज 5, यहाँ पे 0 रह गया था, 8 से 1 यहाँ पे कैरी 10, 10 माइनस 3 क्या हो गया 775, ये 0 आपका एज इट इज़ आ गया नीचे, अगेन 750 बन गया, 750 अगेन हम करेंगे 105 को 7 से मल्टीप्लाई किया 735, ठीक है, अगेन 750 माइनस 735 करेंगे आप तो आ जाएगा आपका 15, ठीक है। अब देखिए 15 कौन सा है 105 से लेस है, तो आप क्या करेंगे कि या तो यहाँ पे इसको स्टॉप कर दें, या अगर आप पॉइंट लगा के 0 लगाते हैं और नेक्स्ट करते हैं तब भी ठीक है, लेकिन अगर आप 77 पे भी आकर स्टॉप करते हैं तो ये भी ठीक है, तो यानी आपका कितना आ गया 77% मार्क्स, इन्हें कितने मार्क्स ऑब्टेन किए 77% मार्क्स। नेक्स्ट आपने क्या करना है, व्हाट इज़ द रेशियो बिटवीन 100 एंड 80 के दरमियान आपने रेशियो फाइंड करनी है, 100:80 आपने फाइंड करनी है, आप इसको राइट कर लिया, अगेन आप इसको राइट कर सकते हैं 100/80, ठीक है, 0 0 0 से कैंसिल, तो आपका क्या आ गया 10/8, ठीक है। देखें इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 5s are 10 एंड 2 4s are 8 क्या आ गया 5/4, ठीक है, तो 100 एंड 80 के दरमियान क्या रेशियो हुए 5/4। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इफ़ 5 men कम्प्लीट आ वर्क इन 10 days, के अगर 5 आदमी हैं जो कि 10 days में अपना वर्क कम्प्लीट करते हैं, देन 3 men विल कम्प्लीट द सेम टास्क इन हाउ मैनी डेज, तो इस तरह 3 आदमी सेम वर्क कितने डेज में कम्प्लीट करेंगे, ठीक है, आपने ये फाइंड आउट करना है, तो हम इसको राइट करते हैं। अच्छा, हम इसको अपनी आसानी के लिए मैन प्रोपोर्शन है डेज, ठीक है, सॉरी मैन रेशियो डेज और प्रोपोर्शन आ गई फिर मैन एंड डेज। अच्छा, पहले कितने मैन थे 5 men, कितने डेज में कम वर्क किया 10 days में, इस तरह फिर थे नेक्स्ट 3 men, आपने फाइंड आउट करना है कितने डेज में, तो उसके लिए हम ले लेंगे एक्स, ठीक है। अब आप इसको राइट कर सकते हैं रेशियो को 5/10, प्रोपोर्शन की जगह इक्वल का साइन एंड 3/x, ठीक हो गया। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 5 × x विच इज़ इक्वल टू 3 × 10, ठीक है, 5x एज इट इज़, 3 × 10 = 30, अगेन x एज इट इज़ एंड 30/5 विच इज़ इक्वल टू 6, तो x की क्या वैल्यू आई 6, तो आपने फाइंड आउट कर लिया कि 3 men जो से हैं 6 days में वर्क कर सकते हैं। हाँ जी, तो अभी एक एडिशन का क्वेश्चन है, देखें कि एक आपका जो सा नंबर है वो डेसिमल में है और एक आपका सिंपल नंबर है, तो इसको हम ऐड अप कैसे करेंगे, आपने सिंपल क्या करना है 98.654 डेसिमल नंबर लिखा, आप सेकंड नंबर देखें आपका सिंपल एक नंबर है, ठीक है, डेसिमल नंबर नहीं है, ये आपका एक होल नंबर है, तो आप ऐसा करें कि जो पॉइंट के बाद के आप इनको
फॉर एग्जांपल कह दें कि ये हमारे पास कोई नंबर नहीं है, ओनली 98 है, 98 है, तो आपको पता है कि जब सिंपल नंबर हो, होल नंबर हो, तो आप इसको कैसे ऐड अप करते हैं, 5 को अब आप कहाँ राइट करेंगे, 8 के नीचे, ठीक है, सिंपल। बाकी नंबर एज इट इज़ 4, एज इट इज़ 5, एज इट इज़ 6, एज इट इज़ पॉइंट, एज इट इज़ 8 प्लस 5 13 का लगा 3, 1 कैरी, 9 प्लस 1 10, सिंपल। सॉल्व हो गया आपका क्वेश्चन। हाँ जी, तो नेक्स्ट है आपके डेसिमल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन सिंपल, आपने 2.34 राइट किया, ठीक है, और आपका है 1.5 आपने राइट कर दिया, ठीक है, आपने पॉइंट को इग्नोर कर दिया। आप पॉइंट को इग्नोर कर दें, सिंपल जैसे मल्टीप्लिकेशन के लिए आप राइट करते हैं, ऐसे नंबर्स को राइट कर दिया, पॉइंट को आप इग्नोर कर दें, ठीक है। अब आपने क्या करना है, स्टेप वाइज मल्टीप्लाई करना है। 5 4 20 का लगा 0, 2 कैरी, 5 3 15, 15 2 17 का 7, 1 कैरी, 5 2 10 और 1 11, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट 1 4 4, 1 3 3, 1 2 2 एज इट इज़। अब इनको आप ऐड अप कर लें, 0 7 प्लस 4 11, 1 एज इट इज़, 1 कैरी, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 3 5 एंड 2 प्लस 1 3, ठीक है। अब आपने देखना है कि अब डेसिमल में था पॉइंट में, तो आपने आंसर में पॉइंट कहाँ लगना है, आपने देखना है कि पॉइंट के आपके राइट साइड पे कितने नंबर्स हैं, उनको टोटल काउंट करें और एंड से उसी तरह राइट से उतने ही नंबर काउंट करके आप पॉइंट लगा दें, 1 2 3, इस तरह 1 2 3, तो यहाँ पे आपका पॉइंट आ गया, ठीक है, 2 3।